व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है गर्ल इन द हाउस। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि साल 2006 में साउथ कैलोरिया में घटी थी। अगर इस कहानी की समरी की बात करें तो एक 14 साल की लड़की जिसका नाम लेजी है, वो अचानक से स्कूल आते हुए टाइम गायब हो जाती है और जिसके बाद उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सो मूवी की शुरुआत में हम कहानी के मेन किरदार को देखते हैं जिसका नाम है लेजी, जो कि अपने क्लास में होती है और स्कूल से घर आने पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम घर पर नहीं है, इसलिए वो उनसे कॉल पर बात करती है और इसके बाद अपने छोटे भाई बॉबी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो मास्क पहनकर जंगल में खुदाई कर रहा है। वेल, ये आदमी कौन है ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फैमिली के सारे लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। लेजी के फादर शिकार करने निकल जाते हैं और लेजी की मॉम दोनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर देती हैं। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद लेजी अपने दोस्तों के साथ घर आ रही होती है। उसके दोस्त उसे भी सुट्टा मारने को कहते हैं, लेकिन तब तक वहाँ उसके दोस्त के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो उनके साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब लेजी अकेले ही घर जाने लगती है, लेकिन उसके लिए काफ़ी आम बात होती है। स्कूल से उसका घर की दूरी बहुत ही कम होती है, लेकिन आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो वो भूल नहीं पाएगी। लेजी अपने घर पर पहुंचने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे एक आदमी मिलता है जो उसे अपने पास बुला के कहता है कि वो पुलिस में है और उसे अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसके घर के आसपास गांजे की खेती हो रही है। सो यहाँ पर लेजी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन ये आदमी उसे और डराता है और बोलता है कि तुम्हारा भाई बॉबी को हमने पकड़ लिया है और तुम्हें भी वहाँ ले जा रहे हैं। जिसके बाद वो लेजी के गले में एक पट्टा डालता है और उसे जंगल के अंदर ले जाने लगता है। लेजी उसे बार बार बोल रही थी कि मुझे घर जाने दो, मेरे भाई से मुझे मिलने दो, लेकिन वो आदमी उसकी नहीं सुनता और उसे वहाँ से दूर ले जाने लगता है। और इसके बाद वो उसके गले पे एक बॉम्ब लॉकेट पहना देता है। उससे कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो ये अपने आप फट जाएगा और तुम मारी जाओगी। उसकी बातों से पता लग रहा था कि उसका इंटेंशन कुछ और है, शायद वो पुलिस में नहीं है। लेकिन लेजी उसकी बात मान लेती है और हमें उस आदमी का असली चेहरा भी दिख जाता है और उसकी इंटेंशन भी पता लग जाती है। वो लेजी को एक जगह बैठाकर उससे कहता है कि वो कोई पुलिस में नहीं है, उसे वो अच्छी लगती है इसलिए उसने उसे पकड़ा है। वो उससे अजीब अजीब सवाल पूछता है, जैसे कि उसकी एज क्या है, क्या वो वर्जिन है। और ये सारी बातें सुन के आपको भी पता लग गया होगा कि इस आदमी का क्या इरादा है। जिसके बाद वो लेजी को एक सीक्रेट बंकर में ले जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच में होता है। अब लेजी बंकर के अंदर जाकर रोने लगती है और ये आदमी उसके सुनने वाले नहीं था। वो उसे चेन से बांध देता है और उसे देख कर हंसे जा रहा था, मानो उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। वहीं दूसरी तरफ लेजी की मॉम को पता लगता है कि वो अभी तक घर नहीं पहुँची और वो काफ़ी परेशान होने लगती हैं। वो उसके सारे दोस्तों को कॉल करती हैं और इसके बारे में पता करती हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता है कि लेजी कहां गई। उसके डैड के आने के बाद वो उन्हें भी बताती हैं और घर के सारे लोग अब बहुत ही परेशान होने लगे थे, जिसके बाद सभी लोग खुद लेजी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और बॉबी उस नदी तक भी पहुंच जाता है जहां पर लेजी कुछ समय पहले ही होकर गुजरी थी, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसकी बहन उसे कुछ ही कदम दूर है। अब उसकी मॉम पुलिस को कॉल लगाती हैं और उन्हें लेजी के बारे में सब कुछ बताती हैं। पुलिस उसके घर के आसपास सारे पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें भी लेजी के बारे में कुछ खास पता नहीं होता है। अब पुलिस को लगता है कि शायद लेजी किसी अपने दोस्त के साथ उनके घर पर हो या फिर वो कहीं चली गई हो, इसलिए वो इस केस को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। ऑफिसर उसकी मॉम से कहते हैं कि क्या पता वो कल तक आ जाए, और ये बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जिसके बच्चे गायब हो दोस्तों, उसे ही पता होता है कि उन पर क्या बीत रही है। और इसी तरह से पूरा एक दिन बीत जाता है और लेजी का कुछ पता नहीं चलता। अब जाकर पुलिस भी काफ़ी एक्टिव हो जाती है और वो उसके स्कूल पहुँच के उसके सारे दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें भी वहाँ कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही करते करते दो दिन बीत जाते हैं और पुलिस और कुछ वॉलंटियर पूरे जंगल तक हज़ारों बार छान चुके थे, लेकिन उन्हें अपनी हर कोशिश कर ली थी, लेकिन लेजी का उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था। यहाँ तक कि पुलिस के स्नाइफर डॉग भी लेजी को नहीं ढूंढ पा रहे थे। अब आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस आदमी ने उस बंकर को कितना सेफ बनाया हुआ है। वहीं लेजी ने उस बंकर में दो दिन अब गुजार दिए हैं और वो डर के मारे पूरी तरह से सहमी हुई है। उसे इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे। आदमी उस दिन उसको छूने की कोशिश करता है और साथ में धमकी भी देता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने का सोचा तो मारी जाओगी, क्योंकि मैंने ऊपर बहुत सारे बॉम्ब फिट कर रखे हैं और जिसके ऊपर से गुजरते ही धमाका होगा और तुम मारी जाओगी। लेकिन अगर तुम बच भी गई तो मैं तुम्हारे घर का एड्रेस जानता हूँ और मैं वहाँ जाकर तुम्हारे छोटे भाई को मार दूंगा।
अब एक 14 साल की लड़की को अगर ये सारी बातें बताई जाए तो वो भागने की सोच भी नहीं सकती, लेकिन लिजी काफ़ी स्मार्ट होती है। उसने ठान लिया था कि वो यहाँ से कैसी भी करके निकलेगी। उसे पता था कि उसने 2 दिन में उस आदमी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल चुकी थी। लिजी को पता था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उसे काफ़ी चोट पहुँचाएगा, इसलिए वो उसकी सारी बातें मानना चालू कर देती है। जिसके बाद लिजी उससे उसका नाम पूछती है तो वो उसे अपना नाम विंसन बताता है। यहाँ पर लिजी को अपने मॉम डैड की काफ़ी याद आती है, इस वजह से वो रोने लगती है और उसे रोता देखकर विंसन कहता है कि तुम जितना रोगी मैं तुम्हें उतना और चोट पहुँचाऊँगा। वो कहता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मेरे साथ रहने में, देखो यहाँ पर हर चीज़ है जो तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें लेकर दे सकता हूँ। इस बंकर में विंसन ने सब कुछ रख रखा था, एक शावर, एक टीवी और एक गैस स्टोव भी था। लेकिन इस पागल को ये नहीं पता था कि ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जाता, प्यार दोनों साइड से होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर विंसन लिजी से प्यार करने लगा था और वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था और इसी कारण वो उसे यहाँ पर रखना चाहता था हमेशा के लिए अपने पास। वहीं दूसरी तरफ ऊपर पुलिस अब हिम्मत हार चुकी थी। वो लिजी के मॉम डैड से कहती है कि अब वो उसे नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि उन्होंने हर कोशिश कर ली लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल पा रही है। ये बात सुन के उसके डैड पुलिस वालों पर काफ़ी गुस्सा होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसकी मॉम अभी भी हिम्मत नहीं हारती। उन्हें पता था कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है और एक ना एक दिन वो ज़रूर वापस आएगी। अब सीन शिफ्ट होकर लिजी पे पहुंचता है जहां पर विंसन ने उसे जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। वो उसे कुछ खाने को कहता है, लिजी भी मजबूर होती है क्योंकि अगर वो बिना खाए पिए रहेगी तो वो कमज़ोर हो जाएगी और वहां से भाग नहीं पाएगी। वो उसका दिया हुआ खाना खा लेती लेकिन तभी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। बंकर के ऊपर से लिजी को उसके डैड की आवाज़ आती है और जो कि उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए थे, और तभी विंसन को भी ये आवाज़ आती है और वो उसे चुप करा देता है। और उसके डैड को इस बात की खबर नहीं थी कि लिजी उनके ही नीचे थी, पर अफसोस वो उस बंकर को नहीं ढूंढ पाते और वहाँ से चले जाते हैं, जिससे लिजी पूरी तरह से टूट जाती है। अब उसकी मिसिंग होने की खबरें मीडिया में आ जाती है और बंकर में लिजी और विंसन दोनों न्यूज़ को देख रहे होते हैं। लिजी के मॉम डैड बहुत ही रो रहे थे और कह रहे थे कि लिजी तुम जहाँ भी हो वापस आ जाओ प्लीज़। वो ये भी बोलते हैं कि अगर लिजी किसी के पास है तो प्लीज़ हमारी बेटी हमें वापस कर दो। अपने मॉम डैड को रोता देखकर लिजी खुद भी रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब सारे लोग को लगने लगता है कि लिजी मर चुकी है, जिस वजह से वो लोग उसकी फोटो पे कैंडल्स वगैरह जलाने लगते हैं। वहीं अब नीचे बंकर में लिजी को अब 4 दिन हो गए थे वहाँ रहते हुए। वो पूरी तरह से विंसन को समझने लगती है और उसे पता लग जाता है कि ये आदमी स्मार्ट नहीं बल्कि पूरा पागल है। वो उसे पूछती है कि तुम कब से यहाँ रह रहे हो, क्या तुम्हें किसी ने यहाँ पर बंद किया है? तो विंसन बोलता है कि वो यहाँ जानबूझ के नहीं रह रहा है, इस तरह रहना किसी को पसंद नहीं होता है। तो वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उस पर रेप के झूठे आरोप लगाए हैं, जिस वजह से पुलिस उसे ढूंढ रही है और वो यहाँ छुपा हुआ है, तब से यहीं रहने लगा है। पहले वो चाहता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी बहाने से यहाँ पर लेके आए और उसे मार दे, लेकिन वो उससे पहले इस देश छोड़कर चली गई। लेकिन अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, वो पुलिस से बदला लेना चाहता है, इस वजह से वो शहर के सारे बच्चों पर नज़र रख रहा है और उन्हीं बच्चों में से लिजी उसे मिल गई। वो लिजी को दोबारा डराता है कि अगर उसे ढूंढते ढूंढते पुलिस यहाँ आई तो ऊपर बिछाए हुए बॉम्ब फट जाएंगे और वो सारे लोग मारे जाएंगे। मतलब कि ये आदमी ना तो लिजी को ज़िंदा छोड़ने वाला था और ना ही पुलिस वालों को। अब ये सारी बातें सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि ये एक साइको है जिसका दिल टूट चुका है और वो अपना बदला लेना चाहता है। अब लिजी को गायब हुए दोस्तों 5 दिन बीत चुके थे और उसके मॉम डैड ने अब लिजी की वजह से लड़ाइयाँ होना चालू हो जाती है क्योंकि वो लोग काफ़ी परेशान थे। वहीं एक तरफ लिजी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो यहाँ से जल्द किसी तरह से निकल जाए। उसे पता चलता है कि विंसन के पास एक बंदूक है। वो रात में उठती है और उस बंदूक को लेने की कोशिश करती है, लेकिन विंसन ने उसके गले में जंजीर लगा रखी थी जिस वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाती। तभी अचानक विंसन उठ जाता है और लिजी किसी बहाना करके बात को टाल देती है और अपनी जान यहाँ पर बचा लेती है। अब तभी यहाँ पर लिजी को ढूंढने के लिए एक पुलिस हेलीकॉप्टर भी आ चुका था और ये देखकर विंसन फौरन एक फॉइल पेपर को अपने ऊपर ढक लेता है जिससे कि वो हीट रेडिएशन में ना सके, और ऐसा ही होता है, पुलिस को फिर से कुछ नहीं मिलता और वो लोग चले जाते हैं। अब लिजी को समझ आ गया था कि उसे ही अब कुछ करना होगा क्योंकि पुलिस अब उसे ढूंढ नहीं पाएगी, इसलिए वो धीरे धीरे उस आदमी को ये एहसास दिलाने लगती है कि वो उसे अब प्यार करने लगी है और वो दोनों उस रात इंटीमेट भी होते हैं। अब लिजी को अपने बॉयफ्रेंड की याद भी आती है यहाँ पर, जिसे वो प्यार करती थी और उसे काफ़ी मिस करती है वो।
वेल इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। लिजी उसे काफ़ी अच्छे से बात करती है ताकि विंसन को लगने लगे कि वो उसे प्यार करती है और उसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगी। उसका यह प्लान काम आ रहा था, विंसन को अब लगने लगा था कि, और अब धीरे धीरे करके उसका यह प्लान भी काम आ रहा था, विंसन को भी लगने लगता है कि लिजी उसे प्यार करने लगी है, जिस वजह से अब वो उसे कुछ नहीं बोलता था और उसके जो गले में जंजीर भी होती है वो उसे भी खोल देता है। दूसरी तरफ लिजी की पूरी फैमिली पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके डैड हर टाइम रोते रहते थे ये सोचकर कि उनकी बेटी अब कैसी होगी, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। और इधर दोस्तों लिजी ने विंसन का ट्रस्ट जीत लिया था और उसे इतना भरोसा हो गया था कि वो अपनी बंदूक तक उसे चलाना सिखाता है। उसी रात पूरे 7 दिन बाद विंसन लिजी को लेकर बंकर से बाहर आता है और लिजी इतने दिनों बाद बाहर की हवा में सांस लेती है, खुले आसमान को देखती है, उससे उसको थोड़ा राहत मिलती है। विंसन उसको लेके एक कार के पास जाता है जहाँ पे कुछ खाने का सामान रखा होता है, उसे लेके वो वहाँ से वापस जाने लगता है और ये सामान देखकर लिजी उसे पूछती है कि ये सामान यहाँ कौन रख कर गया है, ये तुम्हारी वाइफ ने रखा है। तो विंसन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और बंकर पर जाने लगता है, लेकिन तभी दोबारा से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और विंसन उसे देख नहीं पाता। इसी का फ़ायदा उठाकर लिजी अपना एक शूज़ वहीं छोड़ देती है ताकि अगले दिन जब पुलिस वहाँ पर आए तो उसे ट्रेस कर सके। उसी रात लिजी को पता चलता है कि इस आदमी के पास एक मोबाइल भी है। थोड़ी रात होने पर लिजी बड़ी चालाकी से उस फ़ोन को लेती है और उसे अपनी मॉम को मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन उस बंकर में नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब लिजी धीरे धीरे बंकर का गेट खोलती है ताकि नेटवर्क आ सके, लेकिन फिर भी वो मैसेज नहीं भेज पा रही थी और मैसेज बार बार फेल्ड होता जा रहा था। अब पकड़े जाने की वजह से वो डर कर मैसेज को डिलीट कर देती है और फोन को वहीं वापस रख देती है। और तभी उसे विंसन की वहां पर बंदूक भी दिखती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में आता है कि वो उसे शूट कर दे, और वो उस बंदूक को उठाकर उसके सर पर पॉइंट करती है, लेकिन अफसोस उसमें एक भी गोली नहीं होती, जिसके बाद वो रोने लगती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और बस ऊपर वाले से दुआ करती रहती है। अब कुछ देर बाद जब विंसन सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बंदूक किसी ने टच करी है, क्योंकि उसका ट्रिगर जाम हो चुका था। वो श्योर था कि ये काम लिजी ने ही किया है, लेकिन लिजी बार बार इस बात से डिनाई कर रही थी और वो मानने को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन लिजी ने उसे अपने ऊपर इतना विश्वास दिला दिया था कि आखिर में उसकी बातों में आ ही जाता है। वेल अब लिजी को उस बंकर में रहते हुए 8 दिन हो जाते हैं, लेकिन 8 दिन की सुबह एक उम्मीद की किरण लेके आती है। हम देखते हैं कि लिजी के मॉम के पास उसका भेजा हुआ मैसेज डिलीवर हो जाता है, मतलब कि मैसेज डिलीट करने से पहले नेटवर्क आ गया था और वो मैसेज सेंड हो गया था। इस मैसेज में लिखा होता है कि मॉम, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे एक आदमी ने पकड़ कर रखा है एक बंकर में जो कि घर से थोड़ी ही दूर पर है। और ये मैसेज पढ़कर उसकी मॉम फौरन ये बात पुलिस को बताती है, जो कि आज सर्च ऑपरेशन बंद करने वाले थे। लेकिन जब वो ये मैसेज देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता, क्योंकि उन्हें ये लग रहा होता है कि लिजी अब मर चुकी है और उन्हें अभी भी लगता है कि ये मैसेज किसी और ने भेजा है। पर जब उसकी मॉम ये बताती है कि लिजी को अपना निक नेम उसके अलावा किसी और को नहीं पता था और इस मैसेज में उसने अपना निक नेम लिखा हुआ है, ये मैसेज ज़रूर लिजी ने ही भेजा है, और पुलिस उनकी बात मान लेती है और इस नंबर को ट्रैक करना चालू कर देती है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये ज़्यादा पुराना नंबर नहीं है, इसे 3 महीने पहले ही किसी कैथरीन नाम की औरत ने खरीदा है। और पुलिस फौरन उसके घर पहुंचती है। वहां पहुंचने पर उन्हें ये पता चलता है कि कैथरीन ने ये फ़ोन नंबर अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि विंसन है, और उसने उस पर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस करा था। यहां में पता चलता है कि पुलिस विंसन को पूरे 1 साल से ढूंढ रही है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिला था। इसके बाद पुलिस उसे और कुछ सवाल पूछती है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बताती। पर तभी एक ऑफिसर को घर में एक बंकर मिलता है जो कि सेम उसी तरह का था जिसमें अभी लिजी रह रही है। अब पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि कैथरीन विंसन के टच में है, लेकिन वो ये बताती है कि विंसन को जब भी कुछ खाने का सामान चाहिए होता है तो वो उसे कॉल करता है और फिर मैं एक जगह जाके उसे कुछ सामान वहाँ पर रख देती हूँ। सो जो सामान विंसन को मिल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड दे रही है। और इसके बाद विंसन की गर्लफ्रेंड पुलिस को लेकर उसी जगह जाती है जहाँ पर खाना वो रख कर आती थी। पुलिस फौरन उस जगह को तलाश करने लगती है और उन्हें वहाँ पर फिर भी कुछ नहीं मिलता दोस्तों, जिसके बाद पुलिस एक प्लान बनाती है कि वो उस मैसेज की बात सारे मीडिया वालों को बता देंगे। उन्हें पता होता है कि विंसन काफ़ी डरपोक है, वो पुलिस से डर कर भागने की कोशिश करेगा और फिर वो लोग उसे पकड़ लेंगे। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पुलिस का प्लान काम आने लगता है। विंसन जब टीवी ऑन करता है तो उसे वहाँ अपनी ही फ़ोटो दिखती है और ये भी पता चलता है कि एक लड़की को यहीं कहीं आसपास एक बंकर में पकड़
कर रखा गया है। ये देख के विंसेंट पूरी तरह से पागल हो जाता है और लिजी पे चिल्लाने लगता है। वो उसे बोलता है कि तुमने मैसेज भेजा है, मुझे पता है। लेकिन लिजी काफ़ी चलाक होती है, वो उसे अपनी प्यारी बातों में फंसाती है। उसे बोलती है कि मैं क्यों चाहूँगी कि हम कभी अलग हों, मैंने ये मैसेज नहीं भेजा है, चाहे तो तुम अपना फ़ोन चेक कर लो। विंसेंट अपने फ़ोन को चेक करता है तो उसे वहाँ कोई मैसेज नहीं मिलता, जिसके बाद लिजी उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो ऐसा कभी नहीं करेगी। सही में दोस्तों, दुनिया में पागलों की कमी नहीं है। विंसेंट अब दोस्तों पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो बोलता है कि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ हमेशा उसके बीच पुलिस आ जाती है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करी जिससे कि मैंने अपनी वाइफ मानता था, लेकिन पुलिस की वजह से वो मुझसे दूर चली गई और मैं यहाँ अकेले रह गया। तभी लिजी के दिमाग में आता है कि अगर इसकी गर्लफ्रेंड ने देश छोड़ दिया तो जो खाना रख कर जाती थी वो कौन है। फिर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसका नाम कैथरीन है। विंसेंट उसकी 13 साल की बेटी लूसी से प्यार करता है जो कि उसकी ही क्लासमेट है। लिजी को समझ आ जाता है कि इसने उस लड़की के साथ भी कुछ किया होगा जिसकी वजह से पुलिस इसे ढूंढ रही है। अब वो विंसेंट को अपने प्यार में और फंसाने लगती है और उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हें पुलिस ढूंढ लेगी और इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगी और जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तुम वापस आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूँगी और फिर हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा पूरी ज़िंदगी। अब विंसेंट को लिजी पर पूरी तरह से विश्वास हो चुका था, वो उसे अपनी वाइफ तक मानने लगा था और यही वजह होती है कि वो उसे अकेले छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद लिजी पूरे 10 दिन बाद उस बंकर से बाहर आती है, लेकिन लिजी अभी भी काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि विंसेंट ने उसे कहा था कि ऊपर बॉम्ब लगा हुआ है और जैसे ही वो वहाँ जाएगी बॉम्ब फट जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। इस वजह से वो वहीं बैठ कर चिल्लाने लगती है अपनी मदद के लिए और उसी टाइम पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी। तभी अचानक से उनमें से एक ऑफिसर को उसकी आवाज़ सुनाई देती है और वो फौरन वहाँ पहुँच के उसका रेस्क्यू करता है। पर जब पुलिस उन बॉम्ब को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो सारे नकली होते हैं, यानी कि विंसेंट ने उसे सिर्फ डराने के लिए उसे सारे झूठ बोले थे ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। अब पूरे 10 दिन बाद लिजी अपने परिवार से मिलती है और उन्हें अपने गले से लगा लेती है और सभी लोग लिजी से मिलकर रोने लगते हैं। और वहीं कुछ दिनों बाद पुलिस विंसेंट को भी पकड़ लेती है और उसे पूरे 421 सालों की सज़ा होती है। अब वो जेल में 421 साल रहने वाला था। इसके लिए उसे दोस्तों 7 जन्म लेने होंगे और कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि इसके बाद लिजी ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।